नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पर भारत और मैं आपके साथ प्रेमराज। आज देश का बजट पेश किया गया, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो उसके बाद विनोद खेरिया CIA बिहार के अपना प्रतिक्रिया दिया, क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक सुनिए आप इस वीडियो में। जा रहा है हाँ। क्या कुछ खास है बजट में? नहीं, बजट बहुत अच्छा है। कारपोरेट सेक्टर के लिए भी, न्यू कमर्स के लिए 15% का जो टैक्स रेट किया गया है और रेगुलर कंपनीज के लिए 22% का किया गया है, ये बहुत अच्छा है। और इसका लेकिन व्यवहारिक तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। कारण क्या है कि विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, विशेषकर इनकम टैक्स विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनमें सुधार लाना बहुत आवश्यक है। उनकी स्थिति ये हो गई है कि बिना पैसा लिए उनको कोई काम करने की आदत नहीं रह गई है, और अगर कोई एंटरप्रेन्योर पैसा नहीं दे या कम पैसा दे तो उसको बेमतलब बेवजह परेशान करना, उसको किसी भी इरिलेवेंट केसेस डाल के, इरिलेवेंट मुद्दे डाल के और उसकी जो है ऑर्डर पास कर देना और उसके बाद 20% दे के अपील में जाना, ये कहाँ की ईमानदारी है। तो सबसे पहले मेरा सरकार से एक अनुरोध होगा, जो ये लोअर कोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोअर ऑफिसर्स हैं जो पैसे के चलते गलत ऑर्डर पास करते हैं, उनको भी एक ग्रिप में लाया जाए कि आपने गलत ऑर्डर किस तरह पास किया, क्यों पास किया। अगर गलत ऑर्डर पास किया तो उनको भी सजा देने का विभाग को एक अधिकार मिले, सरकार को एक अधिकार मिले, और जो टैक्स पेयर है वो अपनी बातें अपील में जाने के बजाय उनको भी एक कटघरे में खड़े करने के लायक बने। टैक्स पेयर को भी अधिकार मिले कि अगर किसी अधिकारी ने, इनकम टैक्स के या एक्साइज के या GST के किसी अधिकारी ने वैमनिष्य बस या पैसे के कारण गलत टैक्स, गलत ऑर्डर पास किया है, तो उसके अगेंस्ट में अपील करे, न कि ओनली केवल अपील करे अपने छूट के लिए, उसके विरुद्ध भी अपील करे कि उसने इस लालच में, इस पैसे के लालच में या वैमनस्यवश मेरे विरुद्ध जो है ऑर्डर पास किया। ये मेरा एक सरकार से अनुरोध है। बाकी इंडिविजुअल्स के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ देखा है, कई टैक्स स्लैब बना दिए हैं, जो पहले 30% या 20% में आते थे उनको काफ़ी रिलीफ दिए सरकार ने। किसानों के लिए भी बजट अच्छा है, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों को एडिशनल पैसा दे रहा है कि बैंकें जो अभी फाइनेंस नहीं कर पा रही थी भविष्य में फाइनेंस करें, लेकिन बैंकों को एक अब भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो पैसे उनके पुरातन पैसे डूब गए हैं बैंक अधिकारियों की नेग्लिजेंस के वजह से, वो तो पब्लिक मनी है, बैंकों की मनी नहीं है, उसके रिकवरिंग के लिए बैंक अधिकारियों को और तत्पर करना पड़ेगा कि जहां पैसे डूबे हैं उनसे पैसे वसूल किए जा सकें, चाहे किसी भी वश में, चाहे उनकी संपत्ति बेच के या चाहे कुछ, उसको त्वरित कार्रवाई करके बैंकों को जो पुराने पैसे हैं वो वसूल किए जाएं। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जिन्होंने लाखों लाख करोड़ रुपए बैंकों के NPA कर रखे हैं, उनके लिए कुछ सशक्त सजाएं, उनके लिए कुछ सशक्त सजाएं सरकार उपलब्ध कराएं। ये नहीं कि पैसे रोक खा के बैंकों के और भारत की पब्लिक के पैसे खा के हुए इत्मीनान से बैठे, उनके लिए सशक्त सजाएं। और MSME के लिए जो वास्तव में तकलीफ में आई हैं, ऐसा जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि करीब करीब 6,500 MSME जो तकलीफ में हैं उनका रीस्ट्रक्चरिंग के लिए हम लोग प्रयास करें, ये एक अच्छा प्रवेश है, अच्छा बात है कि MSME के लिए रीस्ट्रक्चरिंग पक्की सजा देना का प्रावधान करें, क्योंकि ये सरकार का पैसा नहीं है, ये जन साधारण का पैसा है जो बैंकों में है। एक और बात कही गई सर, LIC सरकार को तो व्यापार से अपने आप को धीरे धीरे मुक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि आज तक का जो अनुभव रहा है कि सरकार ने जिस व्यापार का अधिग्रहण किया वो व्यापार सुधरा नहीं है, वो और खराब ही हुआ है। तो सरकार का काम नहीं है कि व्यापार करे, सरकार का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। सही निर्णय लिया, सही निर्णय मेरे हिसाब से अति सही निर्णय है, और सरकार को आगे भी अपनी हिस्सेदारी हटा के और इसको पब्लिक को पूरा भी पूरा प्राइवेटाइजेशन। मझोले व्यापारियों पर कितना असर पड़ेगा बजट का? मझोले व्यापारियों पे बहुत खास बजट का असर नहीं पड़ेगा, मझोले व्यापारियों को, स्टार्टअप्स को बहुत सारी छूट दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिविडेंड टैक्स से छूट दी गई है, तो एक आम नागरिक जो भी कहीं भी शेयर बाजार में अपना पैसा लगाता था उसको जो भी प्रॉफिट का डिविडेंड का पैसा आता था उस पर टैक्स लग के आता था। अब ये एक फ़ायदा हो गया कि उसको डिविडेंड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो जिस टैक्स लेबल में आता है वही टैक्स का उसको पैसा देना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी बात है
कि जो इन्वेस्टर हैं कंपनीज में अपने इक्विटी इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक बहुत ही लाभदायक योजना लाई है सरकार। क्या मानते हैं पहले की तुलना में अच्छा बजट है? नहीं, नो डाउट एडली लास्ट ईयर के तुलना में ये बजट बहुत अच्छा है और मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ। लेकिन सरकार को एक काम करना पड़ेगा कि भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ा से कड़ा निर्णय ले, जो भ्रष्ट है अधिकारी उनको सस्पेंड करे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करे और जो टैक्स पेयर है उसको अधिकार दे कि उन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध वो न्यायालय में जा सके, न कि अपील करके सिर्फ जो है उन्होंने गलत जो जुर्माना लगाया उसको छुड़वाने के लिए जा सके। भ्रष्ट अधिकारियों को भी कटघरे में एक टैक्स पेयर, एक साधारण आदमी खड़ा कर सके और अगर वो भ्रष्ट पाए जाते हैं अधिकारी, चाहे वो GST विभाग के हों, चाहे इनकम टैक्स विभाग के हों या किसी भी सरकारी विभाग के हों, उनको एक जो है डिसीजनल रूप में रखा जाए कि वो उसके लिए उत्तरदायी रहें कि अगर मैंने गलत निर्णय दिया है तो मैं बचूंगा नहीं। गलत निर्णय देने के पहले उनको 10 बार सोचना पड़े। धन्यवाद आप सभी को। तो जैसा कि इनको आपने सुना, इनका कहना है कि तमाम लोगों के लिए बजट कहीं ना कहीं अच्छा। इनके साथ साथ और कई लोग थे जिन्होंने बजट पे अपना राय दिया, आप उनका भी सुनिए। संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन जो बजट में इनकम टैक्स रिलीफ दिया गया है जो कि अप टू 15 लाख जिनका इनकम है उनके लिए, उसमें थोड़ा रिलीफ मिला है। जिस रिलीफ को मिलने से जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पास कुछ पैसे बचेंगे और जिसके वजह से उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसके वजह से जो मार्केट में जो रिसेशन है, मंदी है, उसका फ़र्क पड़ेगा। यानी कि मंदी थोड़ी कम होगी, पैसे अधिक होंगे उनके पास तो उसका पैसे से सामान खरीदेंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा पुश करने में मदद मिलेगी। सरकार के द्वारा LIC और IDBI के साथ हिस्सेदारी बेचने की भी बात करी गई है, क्या ये सही है? ये गलत है। मुझे लगता है कि सरकार को जो भी उनके ये LIC हो या IDBI बैंक हो, ये सरकार की धरोहर है, इसको बेचना नहीं चाहिए। सरकार को एक अलग अल्टरनेटिव सोर्स निकालना चाहिए जिससे कि वो वहाँ से अपने इनकम को बढ़ा सके, ना कि अपने एसेट को बेच करके। ये मुझे लगता है ये सही निर्णय नहीं है। इस बजट को 100 में कितना मार्क्स दीजिएगा? मैं तो लगता हूँ कि 6.5 आउट ऑफ 10 दूंगा, 65% 60-65% मेरे तरफ से ये रहेगा। ये सर आज बजट पेश किया गया, कितना संतुष्ट आप हैं? बजट कमोबेश सबको खुश करने का प्रयास किया गया है। मोस्टली जो यूथ के लिए बात था कि स्टार्टअप कंपनीज को इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है और न्यू कंपनीज को टैक्स फ्री के जोन में रखा है, साथ साथ वन टाइम सेटलमेंट जो डायरेक्ट टैक्स का लाया है उससे कुछ ग्रोथ हमको नज़र आ रहा है या आएगा। जो आर्थिक मंदी है उस पर असर पड़ने वाला है? आर्थिक मंदी तो बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आ रही, कितनी आर्थिक मंदी का अर्थ, जब कलेक्शन टैक्स का बढ़ रहा है, मार्केट में हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, ज़मीन का दाम आसमान छू रहा है, फ्लैट के दाम बढ़ रहे हैं, तो आर्थिक मंदी पता नहीं बनी बनाई कहानी आई, ये भी कोई षड्यंत्र है, ये भी मुझको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों को तो आर्थिक मंदी कहीं नज़र नहीं आती। यानी आप बजट से संतुष्ट हैं? लगभग लगभग जी। सर आप बजट को किस रूप में देखते हैं? कॉटन कैंडी की तरह, देखने में बहुत लुभावना है, अच्छा है, लेकिन भविष्य इसका नहीं दिख रहा है। भविष्य नहीं दिख रहा है? आप किसी भी, आपने बजट देखा होगा, आप बजट का बेनिफिट बता दीजिए कि आम आदमी के लिए कहाँ बेनिफिट है। जब इनकम टैक्स स्लैब आप छोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, बाकी चीज़ों में कहाँ राहत है? अगर आप एक सामान कल 10 की जगह 20 खरीदते हैं और आपको 5% टैक्स में रिबेट मिल जाता है, तो उससे आपके पॉकेट पर कितना असर पड़ेगा? यानी आप बजट से संतुष्ट नहीं हैं? मैंने कहा ना, कॉटन कैंडी देखने में बड़ी लगती है, अच्छा लगता है, लुभाते भी हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता, भविष्य नहीं। सर आज बजट पेश किया गया है, बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? बजट को हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के रूप में हम देख रहे हैं, लेकिन फॉरेन एजुकेशन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, सारे लोग आ रहे हैं, तो इसको तो डेवलपमेंट का बजट ही कह सकते हैं। सर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, युवाओं पर क्या असर पड़ने वाला है? युवाओं पर चूँकि अच्छे एजुकेशन होंगे तो फिर उनके अपॉइंटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट होगा, जब से डेवलपमेंट होगा हम क्या कह सकते हैं। बजट से संतुष्ट है? पार्शियली संतुष्ट।
कि आप सभी लोगों का सुना, सभी लोगों का कहना है, कोई खुश है कोई नाराज है, पर लगभग मिला जुला कर सभी लोग का कहना है कि कहीं ना कहीं ये बजट अच्छा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। न्यूज़ फॉर भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।